हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे रेमिशन के कॉन्सेप्ट को और ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डायमेंशंस क्या रहते हैं किसी भी सेंटेंस के, किसी भी क्रिमिनल केस के सेंटेंस के, कम्यूटेशन, रेमिशन और इन सब मामलों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द बिल्किस बानो केस। सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी इस वक्त क्योंकि काफ़ी कवरेज भी इसकी हो चुकी है न्यूज़ में। सो केस के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं बात करूँगा लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल आस्पेक्ट्स के बारे में और मैं ये बात करूँगा कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में कैसे 11 लोग जो कन्विक्ट हुए थे बिल्किस बानो केस के अंदर उनको रिहा किया गया है रिसेंटली। यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर डिस्कस होंगी। शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो ऑफलाइन बैच स्लीपी क्लासेस का फर्स्ट ऑफलाइन बैच है और ये स्टार्ट हो चुका है। इसमें इंट्रोडक्टरी क्लासेस भी हो चुकी हैं बट आप अभी भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इसे ज्वाइन करने पे आपको ये सारे बेनिफिट्स जो है आप उन्हें अवेल करेंगे जो भी आपको रेगुलर बाकी ऑनलाइन कोर्सेज में मिलता है। साथ में बोनस आपके पास करंट अफेयर्स, एसे गाइडेंस और इंटरव्यू गाइडेंस मीन्स थ्रू आउट जब तक आप ऑफिसर नहीं बन जाते आपका साथ नहीं छोड़ा जाएगा इसमें। और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते ऑफलाइन आना ड्यू टू सम लॉजिस्टिकल इश्यूज तो आप ऑनलाइन भी यही क्लासेस, सेम क्लासेस अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेस की फॉर्म में और उसमें भी आपको यही सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डिस्कशन। ये रेमिशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने 11 कॉन्विक्ट्स ओवर कॉन्विक्ट इन द बिल्किस बानो मर्डर एंड गैंगरेप केस दे वर रिलीज्ड अंडर देयर प्री मेच्योर रिलीज पॉलिसी। प्री मेच्योर रिलीज पॉलिसी किसकी है? ये गुजरात गवर्नमेंट की है, ठीक है। और बिल्किस बानो केस के बारे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है मीडिया के अंदर। 2002 जो गुजरात के अंदर रायट्स हुए थे उसी दौरान एक बहुत ही दर्दनाक हादसा इनके साथ हुआ था और इसी केस के बारे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कवरेज हो चुकी है, ठीक है। गैंगरेप एंड मर्डर ऑफ फ्यू ऑफ योर एकम्प्लिसेस। तो इस केस के बारे में मैं और इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मैं जाना चाहूँगा इसके पॉलिटी से रिलेटेड आस्पेक्ट्स के बारे में और एग्जाम के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरी है उसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये जो सिचुएशन आई है लोगों को रिलीज किया गया है इसकी कड़ी निंदा भी हुई है। हमारे जो एडिटोरियल डिस्कशंस में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया, वो वीडियोस भी देख सकते हैं। वन ऑफ द कन्विक्ट ऑफ दीज 11 राधेश्याम शाह, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट मूव को पिटीशन डाली थी, रिट पिटीशन डाली थी कि देखिए जी मेरे 15 साल और 4 महीने प्रेजेंट टर्म के पूरे हो चुके हैं तो अब मैं चाहता हूं कि मेरा सेंटेंस जो है वो रेमिट किया जाए। अब इन चीजों का कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डायमेंशन हमें देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले संविधान की बात करें तो संविधान में किसी भी ऑफेंस के लिए पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिशन, सस्पेंड और कम्यूटेशन, ये 5 चीजें जो मैं आपको अभी डिस्कस कराऊंगा, उन सभी चीजों के लिए पावर दी जाती है 2 लोगों को, एक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और दूसरे है गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 72 डील्स विद द प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर और जो गवर्नर की पावर है वो आर्टिकल 161 के अंदर है। तो प्रेसिडेंट की जो पावर है वो किन केसेस में होती है? इवन कोर्ट मार्शल के केसेस में और उन केसेस में जहां पनिशमेंट और सेंटेंस ऐसी केस में दिया है जहां यूनियन लॉ लगता है, ठीक है। तो यूनियन के द्वारा बनाए गए लॉ के अंदर ये काम करेगा और कोई भी डेथ सेंटेंस के केस के अंदर ये काम करने वाला है। यानी कि प्रेसिडेंट की जो पार्डन करने की पावर है वो किसी भी डेथ सेंटेंस के लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे वो स्टेट लॉ के अंदर हो चाहे वो यूनियन लॉ के अंदर हो। आमतौर पे तो स्टेट लॉ के अंदर ही होता है डेथ सेंटेंस। अगर हम आर्टिकल 161 की बात करें तो ये स्टेट लेवल पे गवर्नर्स के पास भी ये पावर होती है जैसी सुप्रीम कोर्ट के पास, जैसी आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। और इस पावर के अंदर 2 कंडीशंस हैं जो डिफरेंट है प्रेसिडेंट के पावर्स के मुकाबले। एक, गवर्नर कैन नॉट कंप्लीटली पार्डन अ डेथ पेनल्टी। अभी मैं समझाऊंगा कि पार्डन, रेमिट, रिस्पाइट, रिप्रीव, रेमिशन, कम्यूटेशन में क्या फर्क है। तो गवर्नर, अभी के लिए इतना याद रख लो कि गवर्नर पार्डन नहीं कर सकते हैं डेथ पेनल्टी को, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, गवर्नर कोर्ट मार्शल के केस में इस तरह की इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। आर्म फोर्सेस के जो
ट्राइब्यूनल है या आर्म फोर्सेस के कोर्ट है, उनकी जजमेंट के अंदर वो किसी तरीके की ये एक्टिविटी नहीं कंडक्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये दोनों जो डिसीजंस लेने वाले हैं, चाहे वो गवर्नर हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यानी कि वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आधार पे ही अपनी इस पावर को यूज कर सकते हैं। अब पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिट, कम्यूट, आप इसको PCR-3 करके याद कर सकते हो। PCR-3, पुलिस कंट्रोल रूम 3। कैसे? पी फॉर पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है कि आपने उस बंदे की सेंटेंसिंग और कन्विक्शन पूरी तरह हटा दी, मतलब यही कह दिया कि उस बंदे की जो कन्विक्शन थी वही गलत थी, उसने वो क्राइम कमिट किया ही नहीं था, उसके ऊपर से वो गिल्ट ही हटा दिया और साथ ही साथ उसका सेंटेंस भी समाप्त कर दिया, तो वो बंदा बाइज्जत बरी हो गया। इस तरीके की पार्डन, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पार्डन की जा सकती है किसी एक पर्सन को बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, लेकिन गवर्नर डेथ पेनल्टी के कन्विक्ट को पार्डन नहीं कर सकता है, यही जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था। रिप्रीव की बात करें तो पहले हम कमीशन की बात कर कम्यूटेशन की बात करते हैं, क्योंकि हम पीसीआर थ्री करके याद कर रहे हैं। कम्यूट का मतलब होता है, इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। कम्यूटेशन का मतलब, जैसे भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के केस में ऐसी डिमांड हो रही थी कि इनका जो डेथ पेनल्टी है उसको कम्यूटेशन कर दिया जाए, कम्यूट कर दिया जाए, यानी कि उसको लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन। मतलब रिगरस इंप्रिजनमेंट को सिंपल इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दो, डेथ पेनल्टी को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दो, That is called commutation. अब आपके तीन R आ जाते हैं, R3, reprieve, respite, remit. Remit तो आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो remit का मतलब क्या होता है? Remit का मतलब होता है उसी sentencing का बस period या time duration कम कर दो। तो अगर आपको 15 साल की जेल हुई है या 14 साल की जेल हुई है तो उसका टाइम कम कर दो, 10 साल, 8 साल, 9 साल, whatever. That is just reducing the period of the sentence. That is remit. ठीक है, ये तीन बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, pardon, commute, remit. एक step by step आ रहे हैं। दो अलग से हैं, respite और reprieve. Respite क्या होता है? Respite होता है जब किसी को राहत मिलती है, और राहत कब मिलती है? जब किसी कोई किसी दिक्कत में होता है, तकलीफ में होता है ना, दैट इज कॉल्ड रिस्पाइट। तो यहां पर भी इस तरीके से ही आपने समझना है, अगर आप किसी का सेंटेंस जो है वो रिड्यूस कर देते हो, किसी की सजा जो है वो कम कर देते हो ओरिजिनल सजा से, ये देखते हुए कि वो बंदा फिजिकली डिसेबल्ड है या वो विमेन है और प्रेग्नेंट है या ओल्ड एज हो गई है, मतलब इस तरीके के बेसिस के ऊपर आप किसी की सेंटेंसिंग कम करते हो, उसको कहते हैं किसी को रिस्पाइट देना, राहत देना। और आखिरी होता है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब ये होता है कि ये टेम्पररी प्रोविजन है जिसमें आप किसी के सेंटेंसिंग को एग्जीक्यूट होने से रोक देते हो थोड़ी देर के लिए, दैट इज कॉल्ड अ रिप्रीव। दैट इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ केस ऑफ डेथ पेनल्टीज। तो डेथ पेनल्टीज के केस में अगर आप मतलब प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन लेके जाते हो तो वो थोड़ी देर के लिए आपको रिप्रीव दे सकता है, जब तक कि आपके केस के ऊपर वो थोड़ा सा जांच पड़ताल ना कर ले और ऐसा ना हो कि उसकी जांच पड़ताल से पहले आपकी फांसी की डेट आ जाए, इसलिए ये चीज रोकने के लिए रिप्रीव दी जाती है। अब आप समझे, PCR-3 करके याद करेंगे, पार्डन, कम्यूट, रेमिट, रिस्पाइट, रिप्रीव। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए, एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। नाउ देर इज अ लीगल एस्पेक्ट ऑफ रेमिशन। ये वाला एस्पेक्ट रेमिशन से डील करता है, पार्डनिंग से नहीं डील कर रहा है, ये रेमिशन से डील कर रहा है, और यह है सेक्शन 432 ऑफ CRPC। 432 भी है और 433A भी है, ये दोनों जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन है, धाराएं हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी कुछ पावर्स रख देती हैं, क्योंकि प्रिजन्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो प्रिजन में रहने वाले काफी कन्विक्ट्स को कई बार अपनी टर्म से पहले, अपनी सजा की ड्यूरेशन पूरी होने से पहले कई बार रिहा कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेमिशन, जो हमने पहले पढ़ा था। तो ड्यूरेशन जो सेंटेंसिंग की है वो लीगल अथॉरिटीज ने नहीं कम करते हैं, यहां पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज ही उनको रिलीज कर देती है पहले, एंड दिस इज अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 432। तो स्टेट गवर्नमेंट्स हैव पावर्स अंडर सेक्शन 432 टू रेमिट सेंटेंस। अब इस केस में, इस संदर्भ में ये सीआरपीसी का ये सेक्शन क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी की सेंटेंसिंग को रेमिट करना चाहती है तो वो उस कोर्ट के जज के पास जाके उसकी रिकमेंडेशन लेगी जिसने उसे कन्विक्ट किया था,
समझ रहे हैं? तो जिस केस के अंदर वो कन्विक्ट हुआ था उसमें जिसने जजमेंट दी थी उस जज के पास जाके ये पूछेंगे कि आपकी क्या राय है, क्या इसे रिमिट कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। एक और चीज आपने याद रखनी है वो है सेक्शन 433A ऑफ सीआरपीसी। वो क्या कहती है कि अगर किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट या उम्र कैद की सजा हुई है और इस केस ऐसे केस में सजा हुई है जहां पे डेथ भी एक ऑप्शन था लेकिन उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला है, समझ रहे हैं? मान लीजिए मर्डर का केस है, ठीक है, या सेक्सुअल रेप का केस है, इन केसेस में डेथ पेनल्टी भी होती है। अब अगर डेथ पेनल्टी की जगह उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली है तो ऐसे केस में आप उस बंदे को तब तक रिहा नहीं कर सकते जब तक वो कम से कम 14 साल की जेल ना काट ले। That means, अगर तुम लाइफ इंप्रिजनमेंट में जाते हो कभी जिंदगी में, याद रखना ये बात कि अगर 14 साल नहीं पूरे होते तब तक आप लोग रेमिशन के लिए नहीं जा सकते हो, ठीक है, इन अंडर दिस सेक्शन 433A 432। बाकी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो अलग है, वो तो गवर्नर के पास मर्सी पिटिशन जाना अलग है, प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटिशन जाना अलग है, मैं बात कर रहा हूँ ये सीआरपीसी की धारा के अंदर, क्योंकि ये ज्यादा रेगुलरली यूज होती है एज कम्पेयर टू गवर्नर और प्रेसिडेंट्स मर्सी पावर्स। तो 14 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट तो कम से कम गुजारनी पड़ती है ऐसे बंदे को जिसको ऐसे केस में सजा हुई है लाइफ इंप्रिजनमेंट की जिसमें डेथ पेनल्टी भी ऑप्शन होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब क्या होता है कि कई बार जो सरकार है, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल होता है जैसे रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, गांधी जयंती हो गया, उसको कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कई बार प्रिजनर्स की अर्ली रिलीज को सैंक्शन कर देता है, अलाउ कर देता है, और ऐसा कई बार हुआ है हमारे देश में कई स्टेट्स के अंदर। उसका यह भी रीजन है कि 61% हमारे जो प्रिजन्स है वो भरी हुई है उन लोगों से जो किसी ना किसी केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट काट रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रिजन्स के ऊपर से भी बर्डन कम हो जाएगा इससे। एनीवेज, होम मिनिस्ट्री ने इस इंडिपेंडेंस डे पे भी ऐसी ही कुछ गाइडलाइंस दी थी कि आप स्पेशल रेमिशन दे सकते हो उन प्रिजनर्स को, और प्रेफरेंस ऑर्डर में वो प्रिजनर्स रखने हैं जो विमेन हैं, ट्रांसजेंडर हैं 50 ईयर से अबव, फिर मेल कॉन्विक्ट्स हैं 60 ईयर से अबव उम्र को देखते हुए, और टर्मिनली इल कन्विक्ट्स है जिनको कोई टर्मिनल डिजीज हो रखा है, तो इनको आप प्रेफरेंस देके रिलीज कर सकते हैं। कहने का मतलब इट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस टू रिलीज कॉन्विक्ट्स अर्ली, बट ये पर्टिकुलर केस इसलिए ज्यादा न्यूज में आया है क्योंकि बहुत ही ग्रूसम क्राइम का इनको पनिशमेंट मिला था, बहुत ही दिल दहला देने वाले क्राइम का पनिशमेंट मिल रहा था इनको, इसी वजह से ये ज्यादा न्यूज में आ रहा है, और पॉलिटिकल भी इस केस के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। खैर, सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, अब हम क्या फैक्टर्स देखेंगे रेमिशन ग्रांट करने के लिए, उसके लिए संविधान में भी कुछ नहीं लिखा था और सीआरपीसी में भी क्लियरली कुछ मेंशन नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट्स की कई जजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये देखते हैं, और उसी को स्टेट अपनी पॉलिसी के अंदर भी इंक्लूड करता है। हर स्टेट अपनी अलग पॉलिसी बनाता है स्टेट प्रिजनर्स को रिलीज करने की, अलग अलग पॉलिसी होती है स्टेट के अंदर। वाई? बिकॉज सीआरपीसी कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट, सो दे कैन इंप्लीमेंट इट इन देयर ओन वे। ठीक है, प्रिजन्स अपनी तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, पुलिसिंग अपनी तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, है ना, ये फेडरेशन है ना। तो सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, स्टेटस ऑफ द को-अक्यूज्ड, कंडक्ट इन द जेल, ये सब चीजें देखी जाती है रिमिशन ग्रांट करते वक्त इन अ जनरल पैटर्न, बट दिस इज नॉट रिटन एनीवेयर। एक जगह है जहां सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ले डाउन कर दिया था 5 ग्राउंड जिसपे आपको रेमिशन कंसिडर करना चाहिए, वो था लक्ष्मण नास्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। देखिए दोस्तों, इस केस के अंदर इन्होंने कहा कि आप ये 5 चीजें जो यहां पे लिखी हुई हैं उनको देखें, उसके बाद रेमिशन ग्रांट करें। क्या 5 चीजें देखेंगे? सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो केस एक इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम था या वो पूरी सोसाइटी को टारगेट करने वाला या पूरी सोसाइटी को दहला देने वाला, हिला देने वाला क्राइम था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई टेररिस्ट अटैक है, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम, इट इज अ प्लान्ड अटैक टू हैव अ टेरर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, तो वो चीज आपने कंसिडर करनी है किसी भी केस में रेमिशन देने से पहले। फिर इफ देर इज अ चांस ऑफ द क्राइम बींग रिपीटेड इन द फ्यूचर, ठीक है, अगर वो क्राइम बंदा दोबारा कर सकता है, पॉसिबिलिटी लग रही है, अगेन दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टिव, बट इसकी पहले रिपोर्ट बनेगी, एडवाइजरी बोर्ड बनता है इसका, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट बनती है, उसके बाद बंदे को रिलीज किया जाता है। तीसरा, वेदर द कॉन्विक्ट हैज लॉस्ट द पोटेंशियलिटी टू कमिट क्राइम, ठीक है, क्या वो बंदा ऐसा विकलांग हो चुका है कि अब वो क्राइम ही नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है। वेदर एनी पर्सन इज बींग सर्व्ड इन कीपिंग द कन्विक्ट,
purpose is being served in keeping the convict in prison. ठीक है, तो इसको कहते हैं हम restitutive justice. Restitutive justice या reform करने के लिए अगर हम prison को एक punishment देने का ही जगह समझते हैं तो वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो हमें किसी को रिलीज नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर हम रिफॉर्म करने के लिए सोचते हैं कि प्रिजन इसलिए बनी है ताकि लोग रिफॉर्म भी हो सके, तो उस केस में हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या प्रिजन में रहना है 15 साल के बियॉन्ड कुछ फर्क पड़ रहा है इससे या नहीं पड़ रहा है. आखिरी है कॉन्विक्ट की फैमिली की सोशो इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए. बिकॉज एक बंदे के साथ एसोसिएटेड देर आर मेनी अदर लाइव्स आल्सो, तो अगर वो इफेक्ट हो रही है तो आप रेमिशन कर सकते हो. अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर स्टेट को अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए. ठीक है, दिस आई ऑलरेडी डिस्कस. 61% जो कॉन्विक्ट्स हैं वो लाइफ सेंटेंसेस उम्र कैद की सजा काट रहे हैं. अब बिल्किस बानो केस में, प्रेजेंट केस में गुजरात की जो ये रेमिशन पॉलिसी है उसके बारे में कुछ चीजें सामने आई और वो हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों रेमिट किया गया इन लोगों को जबकि इन्होंने इतना बड़ा हीनियस क्राइम किया था. देखिए, बिल्किस बानो केस के कॉन्विक्ट ने, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि उनको 15 साल और 4 महीने हो चुके थे. जो ये लाइफ इंप्रिजनमेंट अवार्ड किया गया था इन लोगों को वो एक सीबीआई कोर्ट महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर उसने अवार्ड किया गया था. और इसका रीजन ये था कि गुजरात के अंदर जब ये केस चल रहा था तो गुजरात के अंदर बिल्किस बानोजी जो इसमें विक्टिम है इस केस के अंदर, उनकी लाइफ को खतरा महसूस हो रहा था, इसीलिए इस केस को महाराष्ट्र के पास शिफ्ट किया गया. सीबीआई ने इसकी इंक्वायरी की थी और आफ्टर द इंक्वायरी ये इनको 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. अब क्या होता है कि जब राधेश्याम शाह जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और कहते हैं कि मेरे 15 साल 4 महीने हो गए, मतलब 14 साल हो गए, अब मुझे रिलीज कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट को यह फैसला लेना होगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं, क्योंकि क्राइम जो कमिट हुआ था वो गुजरात के अंदर हुआ था. महाराष्ट्र के पास तो हमने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में केस ट्रांसफर किया था बट द क्राइम वाज कमिटेड गुजरात. तो गुजरात की गवर्नमेंट के पास आप जाएं और उनको बोला गया कि 2 महीने के अंदर अंदर डिसाइड कर लें कि आपने इस बंदे और इसके साथ के 10 लोगों को रेमिशन देना है या नहीं देना है. अब गुजरात ने 1992 में एक रेमिशन पॉलिसी बनाई हुई थी और इस रेमिशन पॉलिसी के आधार पे उन्होंने ये कहा था कि लाइफ इंप्रिजनमेंट जो होता है वो एक आर्बिट्री नोशन है बिकॉज लाइफ इंप्रिजनमेंट एग्जैक्टली कितने सालों का होता है ये क्लियर नहीं है. सो इट कैन बी कंसिडर्ड 20 ईयर्स, इट कैन बी कंसिडर्ड 22 ईयर्स, बट जनरली सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अगर किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाता है तो मतलब जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक इंप्रिजनमेंट है. तो इसीलिए गुजरात की सरकार ने सोचा था कि 1992 में हम ह्यूमैनिटेरियन मेजर के तौर पर ऐसा करते हैं कि जो इतने ज्यादा लोग लाइफ इंप्रिजनमेंट में हैं उनको एक रेमिशन पॉलिसी के अंडर ले आते हैं. तो इस रेमिशन पॉलिसी के अंडर आप बहुत सारे लोगों के रिकमेंडेशन लेंगे, आईजीपी प्रिजन के, ठीक है, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के, डीएम के, जेल सुपरिंटेंडेंट के, दिस यू डोंट हैव टू रिमेंबर, ठीक है, और एडवाइजरी बोर्ड कमेटी बनाएंगे और इनकी रिकमेंडेशन पे आप लोगों को रेमिशन देंगे. लेकिन इसमें कोई ऐसी एक्सेप्शन नहीं थी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई ना 2000 में, इन द ईयर 2000 मैंने कहा था, अब पॉलिसी बनी थी 1992 में, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी साल 2000 में और ये कहा था कि हाँ भाई कोई आपको ये देखना चाहिए कि क्राइम कितना हीनियस था या नहीं था, क्राइम कितना सीरियस था या नहीं था. तो ऐसे कुछ भी नहीं देखा जाता है गुजरात की 1992 की पॉलिसी के तहत. देयर वाज नो लिस्ट अटैच्ड. नाउ इस लिस्ट के ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2012 में कि जी ये पॉलिसी इनवैलिड है, ये पॉलिसी इनवैलिड है. फिर गुजरात ने नई पॉलिसी बनाई 2014 में और फिर उसमें उन्होंने एनेक्जर लिखा. एनेक्जर क्या होता है? किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ अटैचमेंट. तो अटैचमेंट में जो उनकी रेमिशन पॉलिसी थी उसके एनेक्जर में उन्होंने लिखा कि जो प्रिजनर्स सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा कन्विक्ट किए गए हैं, मतलब दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर कन्विक्ट किए गए हैं या मर्डर रेप या गैंग रेप के लिए कन्विक्ट किए गए हैं, उनको रेमिशन नहीं मिलेगी. ठीक है, सो 2014 में
गुजरात सरकार ने अपनी पॉलिसी चेंज की और उसके अंदर ये स्पेशल चीजें ऐड की। अब दोस्तों ध्यान में ये देना है कि अगर 2014 की पॉलिसी के हिसाब से इस केस को देखा जाए तो इन लोगों को रेमिशन नहीं मिलना चाहिए था, बिकॉज दोनों फैक्टर्स देखने हैं, दोनों फैक्टर्स इनके फुलफिल हो रहे हैं। क्या एक तो सीबीआई ने इनका केस लिया हुआ था जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर काम करती है, और दूसरा ये मर्डर और गैंगरेप के लिए कन्विक्ट हुए थे। तो अगर 2014 की पॉलिसी इनके ऊपर अप्लाई होती ना तो ये लोग रेमिट नहीं हो सकते थे। लेकिन ध्यान रखें, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 20, उसमें बोला जाता है नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। कहने का मतलब कोई भी क्रिमिनल लॉ या कोई भी क्रिमिनल क्रिमिनल केस के अंदर जो जजमेंट होती है या लॉ होता है या कानून होता है, वो तभी अप्लाई करता है, उसी वक्त का कानून अप्लाई करता है जिस वक्त वो क्राइम कमिट किया गया हो। ये नहीं कि मैं बाद में लॉ चेंज कर दूं, बाद में कानून चेंज कर दूं तो उसके बाद पहले जितने भी केसेस थे उसमें वो अप्लाई होगा। मीन्स आई कैन नॉट अप्लाई द लॉ एक्स पोस्ट फैक्टो, मैं उस लॉ को, कानून को रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से नहीं लगा सकता। कहने का मतलब 2014 की जो पॉलिसी होगी वो 2014 से पहले वाले केसेस पे नहीं अप्लाई होगी। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से आपको समझ आएगी कि इस कॉन्टेक्स्ट में ही इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के अंदर ही ये रूलिंग दे दी थी कि एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ प्रीमेच्योर रिलीज, जिसको रेमिशन कहते हैं, विल बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिसी विच स्टूड ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन। तो कन्विक्शन तो दोस्तों उनका 2002 में हुआ था, और कन्विक्शन तब हुआ था जब 1992 की पॉलिसी अप्लाई हुई थी। तो इन लोगों के ऊपर 2014 वाली पॉलिसी नहीं अप्लाई होगी। तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और डायमेंशन आपके सामने आ गया, दैट इज आर्टिकल 23। ठीक है, नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आई थिंक इट इज 21, ठीक है, नो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ। तो इसका मतलब इन लोगों के ऊपर 2014 वाली पॉलिसी नहीं, 1992 वाली पॉलिसी के हिसाब से रेमिशन इनको दिया जाएगा। इसी वजह से दीज पीपल वर एबल टू बी रेमिटेड डिस्पाइट हैविंग कमिटेड अ हीनियस क्राइम। अब बाकी सोशल डिबेट या सोसाइटी के अंदर तो डिबेट होती रहेगी कि इन लोगों को किस तरीके से क्यों रेमिट किया गया, और हो सकता है कि इसे चैलेंज किया जाए जुडिशरी के अंदर, वो आने वाले वक्त में हम और से ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ आए होंगे डायमेंशंस। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई 2 या 3 सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स के अंदर भी ऐसा हो सकता है, तो आप हमारे बंडल ऑफ कोर्सेज में से कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट्स का बंडल आप ले सकते हैं, इवन 1 सब्जेक्ट का भी। तो उसमें आपको 10 ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कॉन्टेंट्स मिलने वाले हैं दोस्तों। कॉन्टेंट के साथ साथ क्विजेस के साथ साथ अपडेटेड सिलेबस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। तो इसी के साथ इस हफ्ते के लिए इतना ही, धन्यवाद।